और सर वैसे भी मेरी मम्मी तो आप ही की मम्मी की तरह है। और गाड़ी गाड़ी भी सर इम्पोर्टेड दे दीजिएगा, क्योंकि लंदन के इतने बड़े घर के सामने इतनी छोटी सी मारुति अच्छी नहीं लगेगी सर। और सर मैं अपनी मम्मी के लिए गाड़ी का दरवाजा भी स्टाइल से खोलूंगा और कहूंगा मम्मी ने ये फीस्टिक मिल गए मम्मी, ये गाड़ी में कौन बैठा है? न्यू फेस है, मैं नहीं जानता, तू जानता है? मैं भी नहीं जानता इसे। और तू? मैं भी नहीं जानती। अब मैं समझा, आप इसका इल्जाम मेरे सर डालना चाहते हो, मैं पुलिस को बताऊंगा। पुलिस को छोड़, पुलिस, 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 तेरे को लोग कहाँ ना? हाँ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आ जा, आ जा। हेलो पुलिस, होटल हेरिटेज पैलेस, 14, नंबर 14। Sorry, I'll come later, yeah? देखा? ऐसे उस पर खिड़की गिरी। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो इसके साथ में हैप्पी न्यू ईयर मनाने आया था। हाँ, और ये किरण का डिटेक्टिव हमें फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया और ये खिड़की इसी तरह उसके सर पे गिर गई और वो मर गया। वो मरा नहीं! वो मरा नहीं! लग रहा है। ये तो सुन मेरा कहा मान, अगर तूने मेरा कहा नहीं सुना तो सोच तुझे ह्यूज बंगलो कौन देगा? कौन देगा? तुझे ह्यूज कार कौन देगा? कौन देगा? अरे तुझे ह्यूज जॉब कौन देगा? कौन देगा? शट अप! तुम दोनों औरतों की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? hey! तू आवाज समझ जा, जिस बात को समझ तो सुन। अगर तूने मेरा कहा नहीं सुना तो तेरी माँ डिलक्स रूम में से निकल कर जनरल वार्ड में पहुंच जाएगी। मम्मी कह के इसको क्या पकड़ रहे? ए, इसको भी छोड़, ये मम्मी नहीं है तेरी, ये मम्मी नहीं है तेरी। ते तुम लोग चुप जाओ, एडवांटेज मत लेना, हाथ मत लगाना इसको। आज ये कितने हो तुसी? मारो ना नैनो के तीर, सजने वाह, मारो ना नैनो के तीर। आपकी आवाज का जवाब नहीं सर, आपके झूठ का भी जवाब नहीं। लिसन, मैं कितना सीधा, मैंने कहा था ना कि आपके फ्लोर के पैरापेट पे मैंने एक सस्पिशियस आदमी को देखा था सर, तो मैं स्वयं पर्सनली एज अ मैनेजर चेक करने के लिए। यहाँ पे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। बट यहाँ सब ठीक है। ओके, क्लोज इट। कुछ नहीं, वो खुला है। कुछ चेक करने की जरूरत है? सब ठीक है, सब ठीक है। तो मैं चलूं? नहीं, आओ मेरे साथ गाना गाओ। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। नहीं नहीं, आओ मेरे साथ टब में ना आओ। नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। नहीं नहीं, आओ मेरे बेडरूम में मेरे साथ आ जाओ। नहीं, दिस इज टू मच। अबे अपना ख्याल क्यों रखता है? क्यों रखता है अपना ख्याल कमीना? जान बची। तू उसको चिपक के क्यों खड़ा है? मैं चिपक के नहीं, मैं डर के खड़ा हूँ। तू उसको अलाउ क्यों कर रही है? अंदर मत कर। मैं भी डर रही थी, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोग के साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दामन साहब, अगर मैं आपको ये बता दूं कि किस वक्त और किस जगह टावर का। हेलो हेलो माला, मैं बोल रहा हूँ गोवर्धन। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं होटल हेरिटेज पैलेस रूम नंबर 1402 में हूँ। गोवर्धन जी, आप होटल में क्या कर रहे हैं? अरे गोवर्धन बेटा, कहाँ है तू? तू होटल में क्या कर रहा है? बेटा तू हॉस्पिटल में कब आएगा? मम्मी मम्मी, वो तुझे मैं बाद में समझाऊंगा, बस बस इतना समझ ले कि आज रात मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, कुछ कुछ जरूरी काम में फंस गया हूँ। Watch out.
द हैप्पी न्यू ईयर, द हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। मैंने आपको विश किया, आप मुझे विश करो। ओ माय सोल सीएस बगा असीस होटल के मैनेजर है। ये मेरे दोस्त है डिंगरा साहब, इनको छोड़ दीजिए सर। तोड़े दोस्त मेरा दोस्त अब बाय द वे ऐ किसकी दोस्त है जी? मैं किसकी दोस्त हूं? ये मेरी इनकी वाइफ है मिसेस डिंगरा। मिसेस डिंगरा भाभी तो भाभी तो प्लीज टू मीट यू। ये यूं ही है, इनको जब चढ़ जाती है तो किसी भी चढ़ जाती है। कोई बात नहीं जी, वेलकम वेलकम। वैसे भी तो आज टल्ली होने का दिन है, बाय द वे अभी थोड़ी देर में न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। डिंगरा साहब को जरूर भेज देना जी। ले तू संभाल। आइए डिंगरा साहब, वेलकम जी वेलकम। डिंगरा साहब टिकोना, डिंगरा साहब टिकोना, डिंगरा साहब टिकोना, डिंगरा साहब राज भाई, राज साहब डिंगरा साहब छोड़िए ना, दान है नहीं होता ना, दान है। एनी द वेज द थैंक यू द वेलकम द गॉड ब्लेस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ये साहब भी कमाल है, शॉपिंग खुद करेगा और बिल दूसरों को थमा देगा। ये लड़की भी कम नहीं है, रिचार्ज एक का फोन करती है और फुल टॉक टाइम दूसरे को दे रही है। मेरी किस्मत भी कमाल है, मैं जिंदगी भर दूसरों के हनीमून के लिए बिस्तर सजाता रहूंगा तो मेरे हनीमून के लिए बिस्तर कब सजेगा? हेलो गोवर्धन। गोवर्धन नहीं, हम बोल रहे हैं मंगू। अरे कौन मंगू? मैं गोवर्धन की मम्मी बोल रही हूँ, गोवर्धन को बुलाओ। अरे ये वक्त मम्मी का नहीं बल्कि चुम्मी का है। अरे चुप बदतमीज, गोवर्धन से कहना कि फौरन आए वो। अरे आज रात तुम्हारा बेटा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि आज रात उसकी शादी हुई है। शादी? क्या गोवर्धन ने शादी कर ली? हाँ, और थोड़ी देर मनाएगा हनीमून, वो भी नाइट से लेकर आफ्टरनून, नो ब्रेक। हनीमून सो सून? गोवर्धन ने हनीमून भी मना लिया? अरे फोन रखो, मुझे हनीमून के लिए बहुत इंतजाम करने हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा गोवर्धन मुझसे पूछे बिना शादी कैसे कर सकता है? हाँ? अरे माला, हनीमून वो मना रहा है, तू क्यों रो रही है? इसलिए तो रो रही हूँ मम्मी जी। ओके क्या कर रहे सर, फेंकिए ना। आई सर? नहीं आई, बीच में अटक गई। अटक गई? क्या कर रहे हो सर, जल्दी कुछ कीजिए। क्या करें, यहां से निकलो सर, फेंकिए जल्दी कुछ करिए, कोई आ जाएगा। कहां चले? नहीं, नहीं, नहीं। है? क्या फेंकू? जल्दी कुछ करिए, कोई आ जाएगा। कौन आ जाए? फेंको। अबे क्या फेंकू? कुछ भी फेंकिए, बॉडी अटक गई है। अबे कौन है बे? अरे मैं हूँ। अबे कौन मैं, किसकी बॉडी? सर फेंकिए। Okay.
मेरी बीवी का डिटेक्टिव उस तक पहुंचना नहीं चाहिए। तूने उसको छोड़ा क्यों? मुझे पता नहीं वही पार्टी में था, कहां चला गया अभी। डिटेक्टिव नहीं मिला ना तो याद रख, बंगला बंगला कुछ नहीं मिलेगा तुझे। इट्स ओके, आप प्रेशर मत लीजिए, मैं हूं ना। ये ह्यूमन बींग भी अजीब किस्म का जानवर होता है। जब डर जाता है उसे कुछ भी नजर आता है। देखो मुझे सामने डिटेक्टिव नजर आ रहा है। डर के मारे मुझे भी नजर आ रहा है। इडियट्स, ये वही डिटेक्टिव है। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? नो नो, जिंदा है और सबूतों के साथ जिंदा है। इससे पहले जाकर मेरी बीवी को सब कुछ कह दे, जाकर पकड़ो उसे। सर आपकी बीवी है, आप ही पकड़े ना। यू आर राइट, जिंदा है, जिंदा है। तुझे बंगला के झाग मारने के लिए दे रहा हूं, चले तेरा। यू आर राइट। हैप्पी न्यू ईयर। तेरा हैप्पी न्यू ईयर कभी नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्या भाई? ये क्या है? अगर ये है तो ये मेरी शक्ल की तरह कौन है? ये तेरी शक्ल की तरह नहीं, ये तू ही है। नहीं, तुमको ये गलतफहमी हुई है, ये मैं नहीं हूँ। मुझे क्लियरली दिख रहा है, डॉली और तू। अच्छा, तुमको मैं क्लियर नजर आ रहा हूँ, तुमको ये डॉली भी क्लियर नजर आ रही है, और ये डॉली को देखकर जो मन मन मुस्कुरा रहा है ये चोर नजर नहीं आ रहा है। कौन? पप्पू प्लम्बर? उसने मुझे तेरी सारी कहानी बता दी है। अगर कहानी उसने बता दी है तो सच्चाई मुझसे सुनो ना। तो ये पप्पू है ना तो ये प्लम्बर है, इसका नाम गोवर्धन है। और देखो ये कैसे मन मन मुस्कुरा रहा है इसको देख के। डीजल भाई, लेकिन मैंने इसे अपने आंखों से देखा है, डॉली के घर पे नल ठीक करते हुए। चक्कर में आ गया ना तुम उसके? देखो सबसे पहले डॉली के घर में तुमने किसको देखा? मुझे देखा कि इसको देखा? इसे? यहाँ पर जब तुम होटल में आया था तुमने किसको देखा? इसको देखा कि इसको देखा? अरे मैं मन कौन मुस्कुरा रहा है, मैं तो इधर देख रहा हूँ। ये कहाँ देख रहा है ये? ए मम्मू, इधर आ। अब इससे पहले कि ये इसके साथ हनीमून मना ले, चाक के पकड़। पप्पू भाई, पप्पू नाम नहीं है उसका, उसका नाम गोवर्धन है। गोवर्धन नहीं है, ये तो मंगू है। अरे फिर मैं किस पे गुस्सा उतारू? मुझे क्या मालूम, मुझसे मत पूछो।